वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम द्वारा शराब दुकानों के चखना सेंटरों में दबिश दी गई। पुलिस की दबिश से चखना सेंटरों के संचालकों में भगदड़ मच गई है। कईयों की हिरासत में लेकर चखना सेंटरों को बंद भी कराया गया है। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम द्वारा शराब दुकानों में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटरों में दबिश दी गई। दबिश के दौरान चखना सेंटर के संचालकों में हड़कंप की स्थिति मची रही। पुलिस ने अनेकों लोगों को केंद्रों से गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सुपेला थाना पुलिस की टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संचालित विभिन्न शराब दुकानों में दबिश दी गई। सुपेला पुलिस की यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। पुलिस ने इस दौरान चखना सेंटर में मौजूद लोगों को खदेड़ा, साथ ही चखना सेंटर संचालकों को भविष्य में दोबारा इसे खोले जाने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सभी जिलों की थाना पुलिस द्वारा अभियान के दौरान अड्डेबाजी करने वालों, खुले में शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस के इस अभियान से असामाजिक तत्वों और देर रात तक अकारण घूमने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। अभियान की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज शराब दुकान के आसपास में जो चखना सेंटर वगैरह अवैध रूप से खुले हुए रहते हैं, उस पर सभी थानों को निर्देश मिला था कि कार्रवाई करना है उसमें। इसी निर्देश के परिपालन में सुपेला थाने से भी एक टीम निकली थी, जिसके द्वारा आसपास के जितने भी अवैध चखना सेंटर वगैरह में संचालित हो रहे थे उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें से कुल पुलिस सुपेला पुलिस के द्वारा 9 लोगों के खिलाफ में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। गौरतलब है कि सुपेला थाना क्षेत्र में पूर्व से विभिन्न क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सुपेला थाना पुलिस की टीम द्वारा असामाजिक तत्वों की लगातार धर पकड़ कर कार्रवाई की जा रही है, जिसका नतीजा यह देखने को मिला कि सुपेला थाना क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लग चुका है। बहरहाल पुलिस ने इस अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।